पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1500 से ज़ायद नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 23 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 30,009 हो गई। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 16,044 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में COVID-19 के मजमूई केसेस की तादाद 15,320 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहत याब मरीजों की तादाद 14,02,653 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 49,866 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 2,60,94,825 COVID-19 टेस्ट हो चुके हैं। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। मुल्क भर में 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 1386 मरीज तश्वीशनाक हालत में हैं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना इस वक्त कराची पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस मकसद के लिए थाने लेवल पर कारकर्दगी की जांच का अमल शुरू कर दिया गया है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने सिंध बॉयज स्काउट्स ऑडिटोरियम में कराची रेंज में तैनात तमाम सीनियर और जूनियर अफसरान से खिताब करते हुए ट्रैफिक पुलिस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले SOs को महाना बुनियादों पर इनाम व तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस अहम फोर्स और कराची पुलिस का चेहरा है। ऐसा किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना है। एडिशनल IG कराची ने कहा कि सिर्फ SO ही चालान करेगा, इसके मजबूत नतीजे सामने आ रहे हैं। अवाम का बराह रास्त वास्ता ट्रैफिक पुलिस से होता है, लिहाजा अवाम के लिए रिलीफ का बाइस बने। उनका कहना था कि किसी भी SHO को वारदात हो जाने की वजह से नहीं बल्कि करप्शन और मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बिना पर हटाया जाएगा। तफ्तीश और ऑपरेशन के शोबे बाहमी तआवुन से एक टीम की तरह काम करें ताकि मुलजिमान की गिरफ्तारी और उन्हें अदालतों से सजा दिलवाने के लिए मजबूत केस बनाया जा सके। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि थाने का यूनिट पुलिस की बुनियाद है, लिहाजा अपनी बुनियादों को मजबूत करने के मकसद से थानों में नफरी की कमी को पूरा करने के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं ताकि थाने की सलाहियत को बढ़ाया जा सके। थाने पर स्ट्रीट क्राइम जैसे जराइम से मुतासर शहरी के आने पर फौरी मुकदमात का इंदराज किया जाए। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले थानेदार के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मंशात के आदि अफराद की बड़ी तादाद मुलविस होती है। मंशात की रोकथाम के लिए जारी मुहिम में मजीद बेहतरी और मंशात के मुकदमात में पकड़े गए मुलजिमान के खिलाफ मजबूत केस बनाए जाएँ। शहर में SHO की तैनाती के लिए शफाफ पॉलिसी तरतीब दी गई है जिसके मजबूत नतीजे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपनी सेक्रेटरी की शादी में शिरकत की, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मरियम नवाज की सेक्रेटरी और रुकने पंजाब असेंबली सानिया आशिक रिश्ता अजदवाज से मुंसलिक हो गईं। मरियम नवाज ने सानिया आशिक की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने दुल्हन और दुल्हा को नई जिंदगी के आगाज पर मुबारकबाद पेश की। शादी में मरियम नवाज समेत मरियम औरंगजेब, उज़्मा बुखारी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सानिया आशिक अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर तकरीबात में मरियम नवाज के हमराह नजर आती हैं।